हाँ तो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11 की एक और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस को लेकर। ये देखने में तो आपको थोड़ी अजीब लगेगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन ये है बहुत ही इजी। ठीक है, मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को तो एक बार में नहीं ना करवा सकता हूँ, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के करवा रहा हूँ, कुछ स्किप करके करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। तो 23 आज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की ये क्वेश्चन नंबर 23 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। ठीक है, अगर आप सॉल्व करते हो एनसीईआरटी बुक जो आपको प्रेफरेंस की गई है सीबीएसई की तरफ से, तो एनसीईआरटी बुक को बनाने के बाद ही आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाएं, बहुत ही मज़ा आएगी बनाने के बाद। ठीक है, तो देखिए 23 में क्या बोला गया है। इफ़ अ कॉस 2 थीटा, इफ़ ए कॉस 2 थीटा है, ठीक है, मुझे लिखने में गलती हो गई। इफ़ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी ए, ठीक है, हैज़ अल्फ़ा एंड बीटा। क्या बोल रहा है कि ए कॉस 2 थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा इक्वल टू सी के बराबर है, ठीक है, और इसका अल्फ़ा और बीटा रूट्स दिया गया है। ठीक है, तब हम लोगों को क्या प्रूफ कर रहे हैं, देन प्रूव दैट टेन अल्फ़ा और टेन बीटा किसके बराबर है, 2b/a+c के बराबर है। ठीक है, अब आप सोचिए यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा रूट्स दिया है, तो यहाँ टेन अल्फ़ा और टेन बीटा को प्रूफ करने क्यों बोला जा रहा है। तो देखिए ये आपको धीमे धीमे समझ में आएगी क्वेश्चंस को आप करने के बाद। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को लिख लेना है कि क्या दिया हुआ रहता है। अगर जब आप लिख लोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगी। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए गिवन ए कॉस 2 थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा इक्वल टू सी। ठीक है, देखिए गिवन है अब। ठीक है, अब हम इसको देखिए, अब हम किसके टर्म में लाना है, यहाँ पर टैन के टर्म में लाना है, टैन के। तो क्या आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक में तो पढ़ा होगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला? हाँ, तो आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। क्या क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने, 2 cos² θ - 1। ठीक है, ये तो आपने कॉस के टर्म और साइन के टर्म में पढ़ा होगा, जैसे कि cos² θ - sin² θ। ठीक है, तो आप टैन के टर्म में भी पढ़ोगे, तो टैन के टर्म में क्या पढ़ोगे, कॉस 2 थीटा और टैन 2 थीटा को भी पढ़े, साइन 2 थीटा को भी आप लोगों ने टेन के टर्म में पढ़ा होगा। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा को हम लोग टेन के टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ए 1 - tan² θ और 1 + tan² θ लिख सकते हैं। ठीक है, टेन 2 थीटा में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो फार्मूला को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप फार्मूला याद नहीं कीजिएगा तो आपको बहुत ही परेशानी होगी। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये फार्मूला बस और कुछ नहीं करना, फार्मूला आपको पुट करना कॉस 2 थीटा का साइन टेन के टर्म में। ठीक है, 1 - tan² θ / 1 + tan² 2θ हो गया। ठीक है, अब साइन 2 थीटा को भी टेन के टर्म में तोड़ेंगे तो बी साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 tan θ / 1 + tan² θ। ठीक है, और इक्वल टू सी के बराबर है, बस अब कुछ नहीं करना, अब आपको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो आप लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, जैसे कि ए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ए माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan θ। ठीक है, रुकिए थोड़ा साफ कर देता हूँ, धीमे धीमे। ठीक है, 2b tan θ हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 2b tan θ हो गया। अब देखिए एलसीएम ले सकते हैं, मैं इसे शॉर्टकट में बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। 1 + tan² θ / 1 + tan² θ एलसीएम ले ली है। ठीक है, 1 + tan² θ इक्वल टू सी। ठीक है, अब इक्वल टू दिस इम्प्लाइज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू, तो दोनों साइड इक्वल टू तो नहीं दिया जाता है ना, 1 - a tan² θ + 2b tan θ। ठीक है, इक्वल टू सी, ये जब ये साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + tan² θ। ठीक है, 1 + tan² θ हो जाएगा। अब इसको खोल सकता हूँ मैं, लो ए माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan θ इक्वल टू सी प्लस सी
टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करूँगा, सारे टर्म को आप एक साइड ले आइए पहले, ठीक है। सारे टर्म को हम लोगों ने एक साइड लिया है, ए माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा, या माइनस हो जाएगा सी टेन स्क्वायर थीटा। आप एक साथ लेके चलिए टर्म को, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा, सबसे पहले राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड के साइड ले आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा था, तो ये दोनों को मैंने साथ में रखा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस टू बी टेन थीटा माइनस सी, और ये साइड जीरो बच जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आप लोगों को, अब यहाँ से थोड़ी सोचने वाली बात है। पहले एक बार कॉपी कर लीजिए आप लोग पाउज करके, ठीक है, पाउज करके कॉपी कर लीजिए। यहाँ से आप लोगों ने देखा कि गिवन जो दिया हुआ था मैंने उसे उतार लिया, फिर कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा को टेन के टर्म में चेंज कर लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने एलसीएम ले ली और मल्टीप्लाई कर दी और ए और बी को और सी, ठीक है। फिर एलसीएम लेने के बाद जो डेनोमीटर है उसको राइट हैंड साइड लेके मल्टीप्लाई कर दिया, सी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर हमने ये साइड सी प्लस सी टेन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अरेंज कर दिया, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के साइड लिया है हम लोगों ने, और यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, हाँ तो बच्चों हम लोगों ने रब करके फिर से लौट आया हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि आपने जो a माइनस सी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सी टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू बी टेन थीटा माइनस सी लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हम लोगों ने ये साथ में लिखा था a टेन स्क्वायर थीटा माइनस सी टेन स्क्वायर थीटा को, तो उसको कॉमन लेने में ईजी होगी, ठीक है। मैं फिर से उतार देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, a माइनस a टेन स्क्वायर थीटा माइनस सी टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू बी टेन थीटा माइनस सी इक्वल टू कॉमन लिख, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से माइनस है, यहाँ पर हम लोगों ने चलिए माइनस है, माइनस अगर कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस सी हो जाएगा और यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ प्लस टू बी टेन थीटा माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। हाँ तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, a माइनस ए प्लस सी टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू बी टेन थीटा माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, दो चीज़ आप गौर कीजिएगा, एक तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ टेन थीटा दिख रहा है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बन रही है, बिल्कुल बन रही है, आप लोग देखते नहीं हो यहाँ पर, ठीक है। प्लस माइनस जो भी है, ठीक है, जो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे को ये नेगेटिव में आ रही थी, इसको अगर जीरो ये साइड राइट हैंड के साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव में करने के बाद मैं इसको रिवर्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूरा करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये साइड जीरो ले लिया हम लोगों ने, ये माइनस ये साइड चला गया, क्या हो जाएगा, प्लस ए प्लस सी टेन स्क्वायर थीटा प्लस का माइनस टू बी टेन थीटा हो गया, और ये अपोजिट के साइड आ गया, ठीक है, तो माइनस ए हो गया और ये प्लस सी हो गया, ठीक है। अब इसको हम ये साइड लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये साइड वापस इसको लेफ्ट हैंड के साइड लिख लेते हैं, ठीक है, तो ए प्लस सी टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू बी टेन थीटा, और अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब देखिए अब आपको वो काम आएगी, वो लाइन जो क्वेश्चन में दी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट्स है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा और बीटा रूट्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन की रूट दी गई थी, कहाँ गया, हाँ इस इक्वेशन की रूट दी गई थी, तो हम लोग अल्फा और बीटा को लिख सकते हैं। अब आपको तो रूट्स निकालने आता ही होगा, टेंथ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी, यानी कि
माइनस बी बाय ए, ठीक है, माइनस बी बाय ए होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं अब टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और हम लोगों ने माइनस बी निकाला था, ठीक है, तो माइनस बी में वहाँ क्या दिया हुआ था, माइनस बी में दिया हुआ था माइनस टू बी बाय ए प्लस सी, और यहाँ माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टू बी बाय ए प्लस सी, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है।